अरे खान मिया, आपने सारी जिंदगी जिनावतनी की गुजारी है। पहले शहर के दौर में आप जिनावतन रहे हैं, अभी फिर आप लंदन में जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी आप अपने वतन में वापस मुड़ कर आए आओ तो सही। जब से आपने हमसे शादी की है, देखो ना, ये पहली आपकी बेगम है डॉक्टर यास्मीन राष्ट्र, दूसरी में आई हूँ, देखो ना, तो इतने आपके ये बच्चे सारे हो गए हैं। तो अभी कुछ शर्म करो, कुछ इतना ना खाया होता तो आज आप ना बतनी की जिंदगी ना गुजारी होती। जब से आपके साथ हमारी जिंदगी आई है तो हम भी जीरन बन चुके हैं। तो रही खान साहब की, वो तो छोड़ता तो नहीं है ना, हमारा वो जिगरी दोस्त है ना, जवानी में अभी भी हमारे साथ, हमारी पार्टी का था, हम आपसे शादी करके हम पछता रही हैं, देखो ना। तो आपने अगर वो काम ना किया होता, ये खाने पीने वाले इतना आपने खाया पिया है, तो अभी जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। मेरी प्यारी शौकन, फिर दोस्त आशिक, मेरी प्यारी बहन, ये कभी भी नहीं आ सकता ना, ये इसको पाकिस्तान में आने का इजाजत है ना, अलाउ है। कभी कभी ये तैयार होता है आने के लिए पाकिस्तान, लेकिन ये कभी भी नहीं आ सकता। ये भी सोच से निकाल दी अपनी मारा मियाँ, जब से इसके साथ शादी की है हमारी भी जिंदगी जीरन है। इसने खाया पिया जितना है वो अभी इसको हजम नहीं हो रहा। जब से जब इसका कोई मर्जी का इसका हुक्मरान ना आ जाए तो ये बिल्कुल, जब से केस खत्म होगा तो तभी ये लंदन से पाकिस्तान आएगा ना, ये कभी नहीं आ सकता। कहाँ से आते हैं? अरे आप मेरी कैसी बेगम है, एक भी और दूसरी भी, दोनों में मेरे मुखालफ बातें कर रहे हैं। मैंने आपको के साथ बड़ी मनपसंद की शादी की है, प्यार मोहब्बत की, यही तो हमारा शुरू से वतीरा रहा है हमारी पार्टी का। और हमारा देखो ना, आप पीटीआई की रुकन थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की कि खैर आप शायद आप खान साहब को रोक सकें, तो आपने रोकने की बजाय मेरे ऊपर और तेल छिड़कर आग को भड़का रही हैं। देखो ना, आप मेरी कैसी मोहब्बत वाली वैसी मेरी बीवियां हैं, कुछ ख्याल करें, कुछ शर्म करें, आप कुछ तो ख्याल करें। आपकी मेहरबानी होगी, जब मैं जिलावतन हूँ तो अपने वतन पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो मुझे ज़िंदगी गुजारने दें। वतन मुझे बड़ा याद आता है, जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार गुजार के मैं थक गया हूँ मेरी प्यारी बेगमों। मैंने इसलिए आपको फंसाया था, फंसा कर शादी की थी कि आपसे शादी करके जो है ना खान साहब से कहेंगे को मुझे पाकिस्तान आने के लिए कुछ ना कुछ मेरे रामवार करवाए, और मेरे पीछे ये ब्लेम ना लगाए, जो खा पी लिया वो खा पी लिया। गुड बाय, गया। अरे अब्बा फिक्र न कर, फिक्र न कर अब्बा नवाशी, फिक्र न कर। एक दफ़ा तो मैं वज़ीर आला बना था, बड़ी कोशिश की थी, तो मेरे पीछे से टांगों से बालों से पकड़ कर इन पीटीआई वालों ने मुझे निकाल बार फेंका था, परवेजे को बिठा दिया पा था मेरी सीट पर। ये खान साहब जो है ना, इसका जो है ना पीछा बहुत बुरा है, ये बंदे के पीछे लग जाता है तो बंदे को जो है ना क्या फिर किरदार तक पहुँचा कर दम लेता है। तो फिक्र न कर, मैं दोबारा आऊँगा ना, तो अब्बा नवाज शरीफ मैं जो है ना आपको उधर से लंदन से वापसी का जो है ना आपके टिकट करवाऊँगा और आपकी दिखलासी करूँगा, आपके तमाम जो है ना केस ख़त्म करवाऊँगा। अब्बा नवाज शरीफ तू फिक्र न कर, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे घंटी ख्याल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली फनी वीडियो सियासत पर अपनी फ़नी खाका आप तक बार बार पहुँचता रहे। इसका किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है, सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट के लिए और फ्रेशमेंट के लिए ये फ़नी खाके बनाए जाते हैं, जस्ट फॉर फन, नॉट रियली। थैंक्स।